वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लामा। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अफगानिस्तान दो दशक की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो बलों की संपूर्ण वापसी से पहले तालिबान देश पर हर ओर से कब्जा करता जा रहा है। राजधानी काबुल तेजी से अलग थलग पड़ती जा रही है और काबुल शहर में घुस रहे हैं। तालिबान ने बगराम एयरपोर्ट को भी घेर लिया है। वहीं तालिबान लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने काबुल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के पास अब दो ही विकल्प बचे हैं, या तो जंग लड़े या फिर सरेंडर कर दे। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि अंतरिम सरकार बनाई जा सकती है जिसमें तालिबान के नियंत्रण वाले प्रांतों को उसके कब्जे में रहने दिया जा सकता है। इससे पहले तालिबान ने शनिवार को अफगानिस्तान सरकार और सेना के सबसे मजबूत गढ़ मजार शरीफ पर अपना कब्जा कर लिया था। कहा जा रहा है कि मजार शरीफ तालिबान के कंट्रोल में आ गया है, तो अब काबुल को सुरक्षित रखना काफी मुश्किल है। तालिबान अफगानिस्तान के 34 में से 21 प्रांतों पर अब तक कब्जा कर चुका है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि सरकार हिंसा और विस्थापन रोकने की कोशिश कर रही है। अफगानों पर थोपे गए युद्ध में और ज्यादा हत्याएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगान सुरक्षा और सेना को फिर से संगठित करेंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने चिंता जताते हुए कहा कि अफगानिस्तान में हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। जलालाबाद पर तालिबान के कब्जे के कुछ घंटे बाद रविवार को अमेरिका के हेलीकॉप्टर यहां अमेरिकी दूतावास पर उतरे। दूतावास के निकट राजनयिकों के बख्तरबंद एक्सयूवी वाहन निकलते हुए दिखे और इनके साथ ही विमानों को लगातार आवाजाही भी देखी गई है। हालांकि अमेरिका सरकार ने अभी इस बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तालिबान के लड़ाके काबुल की सीमा पर खड़े राजधानी में दाखिल होने को तैयार है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।